हे गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली यहाँ पर सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी M13 सीरीज़ को ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि बजट सीरीज़ के डिवाइसेज है। और सैमसंग की एम सीरीज़ सैमसंग के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। फाइनली यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M13 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, और आज हम इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे। अभी के लिए बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं, अभी के लिए फ़ोन के अंदर 1% बैटरी बची है, कभी भी जीरो हो सकती है। इसके दो डिफरेंट वेरियंट्स को इंडिया में लॉन्च किया गया, एक 4G मॉडल है जबकि दूसरा 5G वेरियंट है। तो 4G की अगर हम बात करें, यहाँ पर सैमसंग का ही खुद का एक्जिनोस का 850 चिपसेट आपको मिलता है, जो कि F13 में भी प्रोवाइड किया गया। F13 4G एंड M13 4G दोनों ही सिमिलर फोन है। F13 फ्लिपकार्ट पर आपको मिलता है, जबकि M13 4G Amazon के ऊपर आपको मिलता है। अभी आप देख सकते हैं फोन की बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है। चलिए चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो M13 4G के अंदर 6000 mAh की काफी बड़ी मैसिव बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। 15 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है, जबकि M13 5G के अंदर MediaTek Dimensity 700 का 5G चिपसेट है, जो कि अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, बट प्रोसेसर बजट के अंदर काफी सही है। 5000 mAh की बैटरी, यहाँ पर भी 15 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट है। और सैमसंग ने बीच में बजट के अंदर भी बॉक्स के अंदर से चार्जर रिमूव कर दिया था, चार्जर आपको नहीं मिलता था, बट F13 के साथ अभी M13 सीरीज में भी बॉक्स के अंदर चार्जर प्रोवाइड किया, जो कि एक काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोनों ही फोन के बॉक्स के अंदर 15 वोल्ट का चार्जर आपको मिल जाता। आउटपुट रेटिंग आप देख सकते हैं 9 वोल्ट 1.67 एम्पीयर, जो कि 15 वोल्ट की मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग यहाँ पर सपोर्ट करता है। सैमसंग ने क्लेम नहीं किया है ये फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, बट 15 वोल्ट यहाँ पर कंफर्म है। तो यहाँ पर हम अभी के लिए बेसिकली चार्ज करेंगे M13 का 4G वेरिएंट, जिसके अंदर 6000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। अगर आप 5G मॉडल परचेज करते हैं, आप मान के चल सकते हैं 10% कम टाइम में चार्ज होगा, तो लगभग सेम ही चार्जिंग टाइम आपको मिलेगा। 10-15 मिनट यहाँ पर कम आप मान सकते हैं चार्जिंग टाइम में। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5G मॉडल भी अगर आप परचेज करते हैं 15 वोल्ट की चार्जिंग कैसी आपको मिलती है, टाइप सी केबल आपको मिल जाती है। तो चलिए फोन को चार्जर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पर जो चार्जिंग टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर टाइमर को हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी के लिए टेम्परेचर अगर हम चेक कर ले 33 के अप्रोक्स आपको मिलता है, जबकि रूम का टेम्परेचर 30 आपको मिल जाता है। जबकि चार्जर अगर हम चेक करें तो इसका टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 31 के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। तो अभी के लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करते बीच बीच में चेक करते रहेंगे कितने टाइम पर कितनी बैटरी चार्ज होती है। तो भी गाइस, सबसे पहले 15 मिनट की चार्जिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइस जो चार्ज हुआ है वो है 12%, एंड अगर आप 5G मॉडल चार्ज करते हैं वो 1-2% और यहाँ पर चार्ज हो जाता है। टेम्परेचर 34 है। अगर हम चार्जर का चेक करें तो ये आप देख सकते हैं 39-40 के अराउंड यहाँ पर जो चार्जर का टेम्परेचर है वो यहाँ पर जा चुका है। तो अभी देखते हैं अगली और 15 मिनट में ये डिवाइस कितना चार्ज होता है, अभी हम चेक करेंगे 30 मिनट के बाद। तो भी गाइस, 30 मिनट के ऊपर कंप्लीट हो चुके डिवाइस अगर हम चेक करें 22% यहाँ पर चार्ज हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पर अगर हम चेक करें 35 आपको मिलता है डिवाइस का, जबकि चार्जर अगर हम चेक करें यहाँ पर आप देख सकते हैं 42-41 के अप्रोक्स यहाँ पर टेम्परेचर जा चुका है। अभी हम देखते हैं 45 मिनट्स के बाद डिवाइस कितना चार्ज होता है। तो अभी यहाँ पर 45 मिनट्स की चार्जिंग के बाद अगर हम चेक करें डिवाइस चार्ज हुआ है 32%, एंड यहाँ पर डिवाइस का जो टेम्परेचर है 35 के अप्रोक्स आपको मिलता है, जबकि चार्जर का आप देख सकते हैं 44। तो यहाँ पर चार्जिंग के टाइम डिवाइस इतना हीट नहीं होता है, बट यहाँ पर चार्जर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम चेक करेंगे 1 आवर के बाद। तो अभी 1 आवर के बाद अगर हम चेक करें यहाँ पर डिवाइस चार्ज हुआ है 42% M13 4G डिवाइस, जबकि इसका टेम्परेचर अगर हम चेक करें 36 के अप्रोक्स आपको मिलता है, एंड जो चार्जर का टेम्परेचर है 44। तो चार्जर का टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, बट यहाँ पर जो डिवाइस का टेम्परेचर वो काफ़ी कंट्रोल में है। तो अभी हम चेक करेंगे 90 मिनट्स के बाद, देखते हैं डिवाइस टोटल कितना चार्ज होता है। तो अभी यहाँ पर 90 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम चेक करें डिवाइस चार्ज हुआ है 63%, एंड यहाँ पर जो डिस्प्ले का टेम्परेचर वो भी आप देख सकते हैं 38 के अप्रोक्स आपको मिलता है, जबकि चार्जर का टेम्परेचर 44 मैक्स आपको मिल जाता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं 2 घंटे के बाद डिवाइस कितना चार्ज होता है। अभी के लिए 15 वोल्ट के हिसाब से नॉर्मल परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो अभी जो टाइम है 2 घंटे के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। डिवाइस अगर हम चेक करें 85% चार्ज हुआ है। देखते अभी ये डिवाइस कब तक फुल चार्ज होता है। डिस्प्ले का टेम्परेचर 37 के अप्रोक्स आपको मिलता है, चार्जर का 46 तक मैक्सिमम जा चुका है, जबकि रूम का टेम्परेचर अगर मैं चेक करूँ 32 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो डिवाइस का टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में है, बट चार्जर का इंक्रीज हो जाता है।
तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं ये फ़ोन अभी फुल चार्ज हो चुका है। 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में 2 घंटे 26 मिनट के अंदर ये फ़ोन चार्ज हो चुका है। तो 15 वोल्ट का चार्जर आपको मिलता है, ऊपर से 6000 mAh की बैटरी एंड उसके अकॉर्डिंग 2.5 घंटे से पहले इसने फ़ोन को फुल चार्ज कर दिया, जो कि यार स्पीड इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। 18 वोल्ट की चार्जिंग से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो वीवो T1 जो कि 5G वेरियंट है जिसमें 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है, 18 वोल्ट का चार्जर, वो भी इतना ही टाइम लगा देता है चार्ज करने में। तो ऐसे में 15 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो चार्जिंग स्पीड है काफी सही है। अगर आप M13 का 5G वेरिएंट परचेस करते हैं तो मान के चल सकते हैं 10-15 मिनट पहले चार्ज हो जाएगा, 5000 mAh की बैटरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो उसको भी फुल चार्ज करने में 2 घंटे 15 मिनट तक का टाइम इजीली यहां पर लग जाएगा। तो ये था, आई होप आपको चार्जिंग टेस्ट पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी अगर मैं लास्ट में टेम्परेचर चेक करूँ 34 है एंड जो चार्जर का टेम्परेचर वो भी डाउन आ चुका है 36। तो टेम्परेचर फोन का चार्जिंग करते हुए ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बट यहाँ पर जो चार्जर का टेम्परेचर 45-46 चला जाता है, बट इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फोन का टेम्परेचर काफी कंट्रोल में रहता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना। और इसकी जो बाकी वीडियोस है गेमिंग चार्जिंग, तो चार्जिंग टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी आपने देख ली, जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है, गेमिंग रिव्यू, बाकी हिडन सेटिंग्स की वीडियो, इसके अंदर काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं 1UI 4.1 एंड्रॉइड 12 के अपडेट के साथ। तो अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसका बैक कवर या फिर ये फोन अगर आपको परचेस करना है बेस्ट ऑफर्स के साथ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा 4G एंड 5G वेरिएंट का, तो आप परचेस कर लेना। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप इस फोन की और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।